नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। एसडी इंटरनेशनल स्कूल गरौंडा वल्लभगढ़ के प्रिंसिपल मनीष वाधवा ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, मेरा नाम मनीष वाधवा है, प्रिंसिपल एसडी इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल सन 2017 में स्थापित हुआ है। ये स्कूल विलेज गरौड़ा में, गांव गरौड़ा में स्थित है और हम कम से कम 250 बच्चों को शिक्षा पहुँचा रहे हैं। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शिक्षा का स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। शिक्षा के कई स्तर होते हैं, कई मायने होते हैं और शिक्षा का जो स्तर है हमारे हिंदुस्तान में, वो तो वैसे भी पूरे विश्व भर में माना हुआ है। परंतु मुझे ये लगता है कि आज के समय में शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, वो स्तर से अभी हम थोड़ा सा नीचे हैं। इस स्तर को बेटर करने के लिए या अच्छा करने के लिए ये एक मिली जुली एफर्ट्स होने चाहिए। इस एफर्ट्स में अहम भूमिका है सबसे पहले माता पिता की, जो हमारे अभिभावक हैं, टीचर्स की, जो हमारे शिक्षक हैं, और सबसे बड़ा समाज जिससे हम जुड़े हुए हैं। ये वही समाज है, शिक्षा समाज को बनाती है और समाज शिक्षा से ही चलता है। तो ये एक कड़ी है, अगर हम इस कड़ी को सही जोड़ दें तो मुझे लगता है कि शिक्षा का वो स्तर हो सकता है कि कोई उसका कल्पना भी नहीं कर सकता। आज सर, नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? फिर मैं ये कहूँगा, किसी एक वर्ग को दोष देना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई शिक्षक नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी भटके, कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत संगत में जाए, ठीक है, कोई समाज ये नहीं चाहता कि उसका जो नैतिक पतन हो। सर, आज यौन शिक्षा को क्या अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? बिल्कुल, यौन शिक्षा एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा
चैलेंज है जो हमारे समाज के सामने है, और मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए पुरजोर तरीके से, और ये प्राथमिक लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर आरोप लगता है फीस वसूलने का कि इन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बना करके छोड़ दिया है, वो गुरु और शिष्य का आज रिश्ता नहीं रहा, कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? सर, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। गुरु भी आज गुरु होता है, और हम आर्य हिंदुस्तानियों में तो सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि गुरु सबसे पहले है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल लागे पाए, बलिहारी जाऊँ गुरु जो गोविंद दियो बताए। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है, आज हम थोड़े मॉडर्न हुए हैं, थोड़े हम अपग्रेड हुए हैं उस चीज़ में, और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि शिक्षक को उसकी गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए, और इसमें सहयोग पूरा पेरेंट्स का और समाज का होना चाहिए।